यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दो मुद्दों को लेकर के किया गया है। पहला तो आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार की मौजूदगी में, सरकारी कार्यक्रम में सरकारी लापरवाही से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और ये मांग करते हैं कि सरकार बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी बहानेबाजी के, बिना किसी आनाकानी के इसकी जिम्मेवारी ले और कुछ सवालों का जवाब दे कि जब एक सरकारी कार्यक्रम किया जा रहा था, सरकार के तमाम बड़े अधिकारी और मंत्री वहां मौजूद थे, तो इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। प्रश्न ये उठता है कि आप किसी कंपनी को कार्यक्रम की तैयारी के लिए 13 करोड़ का ठेका देते हैं, तो जब नेता के लिए टेंट लग सकता है, नेता के लिए कूलर और एसी लग सकता है, तो जनता के लिए क्यों नहीं लग सकता है? क्या आपको इस बात का पूर्वानुमान नहीं था? कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में हर कोई अपने मोबाइल पे वेदर चेक कर लेता है। क्या मंत्री जी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था? उनको आइडिया नहीं था कि देश में गर्मी पड़ती है अप्रैल में, मई में, जून में, और जब गर्मी पड़ती है तो लू चलती है, गर्म हवा चलने से जो है लोगों की तबीयत खराब होती है। जितना क्षमता है उससे ज्यादा लोग अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो स्वाभाविक रूप से परेशानी आएगी। जनता की बुनियादी बेसिक सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया, पानी की व्यवस्था नहीं की गई, उनके लिए छाया का प्रबंध नहीं किया गया, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान फोटो खिंचाने में रहता है। फोटो फ्रेम बढ़िया बनना चाहिए। आप लोग देखे हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़ा सा कैमरा लेते हैं अपने हाथ में और 5 बड़ा सा कैमरा रहता है उनके पीछे जो उनका और उनके कैमरे का फोटो खींचता है। देश में लोकतंत्र है कि नहीं है? अगर देश में लोकतंत्र है तो एक चुनी हुई सरकार अगर एक सरकारी कार्यक्रम कर रही है और वहां लोगों को यदि बुलाया गया है, उनके साथ अगर कोई हादसा होता है, तो इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, महाराष्ट्र की यूनिट ने यह सवाल उठाया है कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला है, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले और उसकी जिम्मेवारी तय करने के लिए देश का सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष होने के नाते हम सरकार से ये सवाल उठा रहे हैं कि आप घटना के बाद बहानेबाजी ना करें, इधर उधर की बात ना करें, जिम्मेवारी तय करें, जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, और सबसे ज्यादा दोषी तो सरकार खुद है, तो यह दोष को अपने मत्थे ले और इस तरह की कोई भी घटना आने वाले दिनों में ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हमारी मांग है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में आप सब लोगों को सूचित भी किया गया होगा कि कल आदरणीय राहुल जी ने कर्नाटका की एक सभा में यह मांग उठाई है कि सरकार अगर सचमुच ओबीसी से प्रेम करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि विपक्ष मांग रहा था जेपीसी, सारे विपक्षी दलों ने कहा जेपीसी जेपीसी जेपीसी, अचानक से बीजेपी कहना शुरू कर दी ओबीसी ओबीसी ओबीसी। जेपीसी की मांग के सामने अगर ओबीसी की बात बीजेपी लेकर के आई है तो यह जरूरी हो जाता है कि कुछ सवाल सरकार से पूछा जाए। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का दौर है, तो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दौर में सबसे जरूरी चीज है डेटा। अक्सर आप सब लोग सुनते होंगे कि कहा जा रहा है कि डेटा न्यू ऑयल है, जिसके पास डेटा होगा वो दुनिया का लीडिंग पावर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी सरकार, भारत की सरकार, डेटा को इकट्ठा करने में, डेटा को तैयार करके, डेटा देश को बताने में, जारी करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है? क्या कारण है इसका? आप सब जानते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 के दौर में 2011 में जनगणना हुआ और उस जनगणना की जो रिपोर्ट थी उसको तैयार किया गया, वह रिपोर्ट प्रकाशित होती, उसके बाद सरकार चली गई। 2014 में नई सरकार बनकर के आई, तब से लेकर के हम लोग 2023 में हैं, अभी तक कोई डेटा जो है वो जारी नहीं किया गया है। आप सब लोगों को पता है
कि 2021 में जनगणना होना था, 2021 में जनगणना नहीं हुआ है। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहां तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। डेटा जब इतना इंपॉर्टेंट है, जब हर चीज को गिना जाना जरूरी है, आप स्त्री गिनते हैं, पुरुष गिनते हैं, शिशु गिनते हैं, पशु गिनते हैं, तो फिर जाति गिनने में क्या दिक्कत है। और हम इसमें कुछ और तो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देश में हर 10 साल में जो सामाजिक आर्थिक और जातीय आधार पर जो जनगणना होता है उसका रिपोर्ट जो है आप जारी कीजिए। जो जनगणना 2021 में होना था 2023 हो रहा है, तो आप उस जनगणना की कार्रवाई को शुरू कीजिए, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होना है। और ऐसा तो है नहीं कि आज जनगणना शुरू हुआ है। आप सब जानते हैं कि इस देश में लगभग 150 साल से जनगणना हो रहा है, 150 साल से। और हम गिनते क्यों हैं, हमको संख्या को गिनने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका सीधा सा जवाब है, आपके घर में जितने सदस्य होते हैं उतना ही खाना बनाते हैं ना। घर में अगर आप कोई दावत देते हैं तो जितना गेस्ट आपको एक्सपेक्टेड होता है उतना ही जो है आप भोज में खाना बनवाते हैं। जब आपके पास संख्या ही नहीं होगी तो किस आधार पर आप नीति का निर्माण करेंगे, कैसे जो है आप नीति का निर्धारण करेंगे? संख्या होना जरूरी है, और संख्या के मामले में आप सब लोगों को पता है ना, सरकार इस बात को बताने में इंटरेस्टेड है कि अदानी जी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, ना सरकार इस बात को बताने में इंटरेस्टेड है कि इस देश की वास्तविक संख्या क्या है। आप अगर प्रधानमंत्री जी की रैली को भी ध्यान से सुनेंगे तो कुछ दिन पहले कह रहे थे 135 करोड़, आजकल कहते हैं 140 करोड़। तो 135 करोड़ से 140 करोड़ हम कैसे हो गए हैं? क्या सचमुच 140 करोड़ हुए हैं कि 139 करोड़ ही हो रहे हैं? ये आंकड़ा तो सरकार को इकट्ठा करना चाहिए, सरकार को ये आंकड़ा जारी करना चाहिए। और जब गिन ही रहे हैं, पेड़ गिन लेते हैं, पशु गिन लेते हैं, शिशु गिन लेते हैं, तो जाति भी गिन लीजिए। आज देश को आखिर पता तो चले कि किस वर्ग के लोगों की वास्तविक हालत क्या है। यह भी तो हो सकता है ना, सरकार ने ही किया है कि इस देश में 10% ईडब्ल्यूएस के आधार पर रिजर्वेशन दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका समर्थन किया कि अगर आपके पास ये आंकड़ा है कि जनरल कैटेगरी के लोग भी गरीब हैं, अगर आप उनको मदद देना चाहते हैं तो मदद दीजिए। सरकार यह भी डेटा इकट्ठा करती है कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रह रहे हैं, इसके आधार पर आप बीपीएल कार्ड जारी करते हैं, इसके आधार पर आप उनको खाद्यान्न सुरक्षा देते हैं, इसके आधार पर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर बना करके देते हैं। तो किसी भी सरकार के लिए आंकड़ा का होना जरूरी है। प्रश्न यह है कि आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, और आप सबने देखा कि किस चालाकी से यह काम की जाती है। राहुल जी ने चोर को चोर कहा, अब बताइए चौ को चौ नहीं कहेंगे तो सौ कहेंगे, चोर को चोर ही तो कहा था, तो इन्होंने कह दिया कि ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूं। अरे तो आप ओबीसी से आते हैं तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बना है। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अब सरकारी विभाग में कोई भी पोस्ट जो है वो खाली नहीं होगा, जितना विभाग में रिक्तियां हैं सारी रिक्तियां भर दी जाएगी। लेकिन रिक्तियां भरने से पहले यह जानकारी तो हो कि इस देश में लोगों की वास्तविक हालत क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी जातीय स्थिति क्या है। जात के आधार पर राजनीति करेंगे, जात के आधार पर वोट लेंगे, जात के आधार पर विपक्ष को घेरने का प्रयास करेंगे, लेकिन जाति की संख्या क्या है यह बताने की बात नहीं कर रहे हैं। और हम गिनने की ही बात कर रहे हैं ना, गिनने में क्या तकलीफ है? कहते हैं कि किसी भी राज्य का निर्माण कैसे होता है, 3 चीजों से होता है, संख्या, जमीन और संप्रभुता। तो संख्या तो पता होना चाहिए ना कि भारतीय राज्य की सीमाओं के भीतर कितने भारतीय रहते हैं, उनकी वास्तविक हालत क्या है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो। आज तो कोई भी ये नहीं कह सकता है ना कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, आज तो सबको रिजर्वेशन मिल रहा है, आज तो जनरल कैटेगरी को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, ओबीसी को भी मिल रहा है, एससी को भी मिल रहा है, और एसटी को भी मिल रहा है। और ये रिजर्वेशन तो बीजेपी ने ही दिया है, तो बीजेपी को यह बात स्पष्ट करना चाहिए। और आरएसएस के प्रमुख का कई बार आप लोग बयान सुन चुके होंगे कि वो कहते हैं कि हम रिव्यू करना चाहते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी का, हम रिव्यू करना चाहते हैं। तो बिना डेटा का आप रिव्यू कैसे करेंगे?
जब आपके पास आंकड़ा ही नहीं होगा तो आप क्या रिव्यू करना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि बीजेपी असल चाहती है कि गुड़ खाएं गुलगुल्ला से परहेज। मतलब एक वर्ग को कह दें कि नहीं नहीं गिनने की क्या जरूरत है, इससे समाज जो है उसमें जात पात फैलेगा, समाज में जातिवाद बढ़ेगा। अगर ओबीसी बोलने से समाज में जात पात फैलता है तो प्रधानमंत्री अपनी रैली में जाकर के ये क्यों कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं? विपक्ष जब जेपीसी की मांग करता है, जब राहुल जी चोर को चोर कहते हैं, तो सरकार क्यों कहती है कि आप ओबीसी का अपमान कर रहे हैं? अगर यह शब्द बोलने से, यह शब्द कहने से, इसको गिनने से समाज में जात पात फैलता है तो बीजेपी इसके आधार पर राजनीति क्यों करती है? बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, बीजेपी को देश की जनता को जाकर के बताना चाहिए कि आप जनगणना कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। और आप जनगणना कराना चाहते हैं तो जनगणना कराइए, जैसे बिहार में हो रहा है। अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताइए कि हमको देश के लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है, सरकार को लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है, उनका दोस्त जो है ना वो डेटा इकट्ठा कर रहा है जिसके आधार पे जो है वो चुनाव की नीति बना लेंगे। लेकिन सवाल यहां सरकार की नीति निर्धारण का है, कितने लोग किस घर में रहेंगे उसी के आधार पे आप कमरा बनवाएंगे ना, एक जो है बेडरूम बनवाएंगे, बच्चा हो गया है दो तो एक जो है चिल्ड्रन रूम बनवाएंगे, गेस्ट आते हैं तो एक गेस्ट रूम बनवाएंगे। किसी भी नीति का निर्माण आप डेटा के आधार पर करेंगे, सरकार डेटा जारी नहीं करना चाहती है। और यह सवाल राहुल जी ने उठाया है जो आज के लिए बहुत जरूरी सवाल है। और अगर आपको प्रेम है जो आप दावा करते हैं और अपनी रैलियों में जाकर के बताते हैं, तो देश को बताइए कि देश में जाति के आधार पर लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है, लोगों को बताइए कि आर्थिक आधार पर लोगों की स्थिति क्या है, सामाजिक आधार पर लोगों की स्थिति क्या है, इसका डेटा इकट्ठा कीजिए, जनगणना करवाइए, उस डेटा को जारी कीजिए, तब जाकर के पता चलेगा ना कि दुनिया में डंका बज रहा है जिस देश का, उस देश की असली हालत क्या है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह मांग करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, उस चिट्ठी में यह जिक्र किया है कि हम दोनों सदन में इस बात को उठाए हैं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी रिपोर्ट को आप जारी कीजिए, 2021 में जो जनगणना होना था उस जनगणना को अविलंब शुरू कीजिए। और जब एक काम हो रहा है, एक पंथ दुई काज हो जाए, जब गिन ही रहे हैं तो सब आधार पर गिन लीजिए, जब हर आधार पर समाज में लोग रह रहे हैं तो हर आधार पर लोगों को गिन लीजिए। और सरकार के पास डेटा होना जरूरी है। सरकार अगर कहती है कि देश में खुशहाली है, देश में खुशहाली आई है, लोगों के बीच में प्रॉस्पेरिटी फैला है, तो यह बताने में क्या दिक्कत है कि देश में जो है कितने बेरोजगार हैं? आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि सरकार ने सर्वे कराना बंद कर दिया है, सरकार के पास बेरोजगारों का कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि सरकार रोजगार देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसीलिए जो है बेरोजगारों को गिनने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्ट और सीधा मांग है, अविलंब जनगणना करवाई जाए और जनगणना तीनों आधार पे जिस तरीके से 2011 में हुआ था, सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर, तीनों आधार पर जनगणना हो। अगर बिहार सरकार जाति की जनगणना करवा सकती है तो देश की सरकार भी करवा सकती है। और यह देश के लोगों का संवैधानिक बुनियादी अधिकार है कि उनको पता चले कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है।